अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। तलखी चुनाव के दौरान थी अलग बात थी, लेकिन उसके बाद भी बनी रहे तो यह अलग बात है। यूपी विधानसभा में बीते दिवस कुछ ऐसा हुआ जिसमें प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए। तलखी व कटाक्ष के बीच बात आपसे तुम तक जा पहुंची, फिर इतनी बढ़ी कि उसे विधानसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया और अंत में CM योगी को बीच में आना पड़ा। दरअसल डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सफाई का नाम लिया और कहा कि अखिलेश ऐसा कहते हैं जैसे सफाई की जमीन बेचकर इन्होंने सड़क आदि बनवाई है। इस पर अखिलेश यादव नाराज हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा, तुम क्या अपने पिताजी के पास से पैसे लाते हो? देखिए वह हालात। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसका शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोकभवन में कब बैठूंगा? लोकभवन में हम लोग ये POD मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई, बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FastBite.tv। नमस्कार।